हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर अ टेल ऑफ टू वर्ड्स फ्रॉम बुक अ पैक्ट विद द सन। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में दो चिड़ियों की कहानी है, एक मदर बर्ड है और उसके दो बच्चे हैं जो कि जंगल में रहते हैं। और जो मदर बर्ड है, मतलब जो उन बच्चों की माँ है, वो क्या एक तूफान में मर जाती है और उनके जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दोनों को ही अलग अलग घर मिलता है। अब हम देखेंगे कि पूरी स्टोरी क्या है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसके दो बच्चे रहते थे जो हाल ही में पैदा हुए थे, और उनका जो घोंसला था वो एक लंबे घने पेड़ पर था, और वहीं पर वो अपने दोनों बच्चों की, जो चिड़िया है वो अपने दोनों बच्चों की दिन रात सेवा करती थी। वन डे देर वॉज अ बिग स्टॉर्म, देर वॉज अ थंडर लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। एक दिन क्या हुआ, वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी और आंधी भी चल रही थी। इतनी तेज तूफान आया था कि जिससे कि बहुत से पेड़ नीचे गिर गए थे और जिस पेड़ में उनका घोंसला था चिड़ियों का वो भी नीचे गिर गया था। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और जब वो नीचे गिरा तो जो उनका घोंसला था उसमें आके एक पेड़ की शाखा टकराई जिससे कि वो चिड़िया मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। सौभाग्य से उनके बच्चे बच गए, जो चिड़िया के दो बच्चे थे वो बच गए, और जो हवा चल रही थी, इतनी तेज तूफान चल रहा था, उस वजह से उन दोनों बच्चे उस जंगल से दूर कहीं जाके अलग अलग गिर गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक जो बच्चा था चिड़िया का वो गुफा के पास जाके गिरा जहाँ लुटेरों का गिरोह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा बच्चा था वो एक ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरा जो कुछ ही दूरी पर था। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और दिन गुजरते गए, अब जो छोटी चिड़िया थी यानी जो चिड़िया के बच्चे थे अब वो बड़े हो चुके थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या हुआ, देश का राजा वहाँ शिकार करने आया जंगल में। ही सॉ अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट। उसने वहाँ पर एक हिरन को देखा और उसका पीछा करने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। हिरन का पीछा करते करते वो गहरे जंगल में पहुँच गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। और उस जंगल में वो भटक गया राजा, और उसको नहीं पता था कि वो कहाँ आ गया। ही रॉड वन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो रास्ता ढूंढता गया तब तक ढूंढता गया जब तक कि वो जंगल के दूसरी साइड ना पहुंच जाए। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री डेट स्टूड नियर अ केव। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो बहुत थक गया था, तो फिर वो घोड़े से अपने अपने जो घोड़े पे सवार होकर रास्ता ढूंढ रहा था राजा, फिर वो वहाँ से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि गुफा के पास थी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। फिर जैसे ही वो जब पेड़ के नीचे बैठा तो उसने एक आवाज़ सुनी कि जल्दी करो, यहाँ कोई पेड़ के नीचे आया है, जल्दी से इसके गहने छीन लो और उसका घोड़ा भी छीन लो उससे पहले कि ये यहाँ से भाग जाए। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो जो राजा था वो एकदम से चौंक गया, उसने ऊपर की तरफ देखा कि एक बहुत बड़ी सी चिड़िया है, ब्राउन कलर की, भूरे रंग की चिड़िया है, और जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वो वहीं पर बैठी है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड। तो जैसे ही उसने देखा कि ऊपर चिड़िया बैठी है और उसने कुछ आवाज़ें गुफा के अंदर से भी सुनी, वैसे ही वो जल्दी से उठा और अपने घोड़े पे बैठा और वहाँ से भाग गया जितनी जल्दी हो सके उतना। सून ही केम टू क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, इट वॉज द ऋषिज आश्रम। जल्दी ही वो एक आश्रम जैसे दिखने वाले
जगह में पहुंच गया जो कि एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स सीट। तो फिर राजा वहां उतरा और उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छांव में बैठ गया। अनाउंस, सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। और अचानक जो राजा है उसने एक आवाज़ सुनी जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्यारी, प्यार से कोई बोल रहा था कि स्वागत है आपका सर, प्लीज़ अंदर आइए और आराम कीजिए, द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जो वहाँ के ऋषि थे आश्रम के, वो जल्दी ही आते होंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक यू सेल्फ कम्फर्टेबल। उसने बोला कि वहाँ अंदर ठंडा पानी है मटके में, आप आराम से वहाँ बैठिए और अपने आप को कम्फर्टेबल कीजिए। द किंग लुकड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो फिर राजा ने क्या किया, ऊपर की तरफ देखा तो उसको वही बिल्कुल वैसी चिड़िया दिखी, बड़ी भूरे रंग की चिड़िया। ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। राजा उस चिड़िया को देख के चौंक गया क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा उसने गुफा के पास देखी थी। तो वो अपने आप से जोर से बोलने लगा, कहने लगा कि ये तो बिल्कुल वैसी ही चिड़िया लग रही है जैसी कि मैं गुफा के पास देख के आया। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, ही नाउ टॉक एज दे डू, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। जैसे ही उसने राजा ने खुद से बोला कि ये तो बिल्कुल वैसी ही चिड़िया लग रही है, वैसे ही वो चिड़िया जो आश्रम के पास बैठी थी वो बोला कि हाँ सर, वो मेरा भाई है, वो जो कि बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है लेकिन उसके फ्रेंड लुटेरे हैं, अब वो उन्हीं की जैसे बातें करता है और मुझसे बिल्कुल बात भी नहीं करता। बस इतना बोला वैसे ही ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। तो फिर उन्होंने राजा से बोला, ऋषि ने, कि आइए आपका स्वागत है, अंदर आइए और अपना घर ही समझिए और बैठिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए, उसके बाद हम खाना खाते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू वर्ड्स, हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। फिर जो राजा है उन्होंने ऋषि को बताया उन दो चिड़ियों की कहानी, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी लेकिन उनकी जो बोली थी वो कितनी अलग थी, दोनों का व्यवहार कितना अलग था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज। तो राजा बोला कि जंगल तो अचरजों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, दैट वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। तो वहाँ के जो ऋषि हैं वो मुस्कुराए और बोले कि हम जैसी संगत करते हैं हमें वैसा ही उससे रिटर्न में मिलता है, अगर हम अच्छी संगत करेंगे तो हमें अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, अगर हम बुरी संगत करेंगे तो हमें बुरी चीज़ सीखने को मिलेगी। वैसे ही जो गुफा के पास तुमने चिड़िया देखी वो रॉबर्स के साथ रहती है, मतलब लुटेरों के साथ रहती है, तो वो लुटेरे हमेशा लूटने की बात करते हैं, तो वो भी उन्हीं को देख के उन जैसी बातें करता है। और वही चीज़ यहाँ जो इस चिड़िया जो आश्रम के पास जो चिड़िया रहती है वो हम लोगों को स्वागत करते देखती है, कि हर किसी को हम स्वागत करते हैं, तो वो चीज़ ये चीज़ वो सुनती है और वही चीज़ ये रिपीट करती है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, और इसीलिए वो सबका स्वागत करती है आश्रम को, अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स, मैं इस जगह के बारे में आपको और भी बताता हूँ और इन चिड़ियाओं के बारे में भी बताता हूँ। तो ये थी हमारी कहानी, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगत से हमें अच्छी चीज़ मिलेगी, अगर हम बुरी संगत करेंगे तो हम बुरा काम सीखेंगे जो कि वो लोग करते होंगे, क्योंकि जैसे आदत वाले लोगों के साथ हम रहते हैं हम वैसी आदतें हम में भी आ जाती हैं। तो इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।